एक सेकंड देखिए, एक बहुत खास तस्वीर आ रही है। जरा मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग देखें, ये सिंगोल की स्थापना की तस्वीर आ रही है, रिहर्सल की जा रही है उसकी, कि कैसे इसकी स्थापना की जाएगी। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि सिंगोल की स्थापना हुई है और खुद इसको जो लोकसभा स्पीकर होंगे उनके चेयर के बगल में इसको रखा जाएगा। और इसको लेकर ये मान्यता है कि इसकी स्थापना तब भी हुई थी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, 1947 में अंग्रेजों के द्वारा जब सत्ता सौंपी गई थी, तो हमारे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको ये सिंगोल गई थी। और आज एक बार फिर से इसे म्यूजियम से निकालकर संसद भवन तक रखा जाएगा। इसे न्याय का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इसके साथ बैठा, ये प्रतीक दरअसल इसलिए होता है कि आप न्याय करेंगे और दंड न्याय के नाम से इसको जाना जाता है। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि दुनिया भर में इस तरह के प्रतीक होते हैं। अरे चिल्लाओ मत, चिल्ला बोलते रहते हो। दुनिया भर में इस तरह से ही अलग अलग प्रतीक होते हैं, लेकिन इसी तरह का कुछ ना कुछ हर राष्ट्र के पास और वहां पर जो भी सत्ता में है उनके पास आप देखेंगे इस तरह की चीजों की स्थापना की जाती है। कुछ ना कुछ चिन्ह है जो वो अपने साथ रखते हैं और उसे न्याय से जोड़कर देखा जाता है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्थापना होगी सिंगोल की, उसका आज रिहर्सल किया जा रहा है क्योंकि उद्घाटन होना है और उसके साथ इसकी स्थापना की जानी है। तो बहुत खास तस्वीर है, इसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि लोग आनंदित हो रहे होंगे। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।